Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Children, today we will read the next part of this chapter, chapter 8. In previous video, I have explained you how a bird is, एक bird कैसी होती है, मैंने आपको बताया था, और how a bird beak is, और birds के beak कैसे होते हैं, ठीक है? अब आज हम लोग देखेंगे और ये बर्ड्स बीक से रिलेटेड मैथ का कॉलम जो है वो आप लोगों ने क्लास में बनाया भी था. ओके, सो नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट क्लॉज, फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड. आज हम लोग बर्ड्स के फीट और क्लॉज के बारे में जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज रिटन हियर, बर्ड्स यूज देयर क्लॉज फॉर, बर्ड्स जो है अपनी क्लॉज यूज करती हैं किसके लिए, कैचिंग देयर प्रे, अपने प्रे कैच करने के लिए, मतलब अपने शिकार को कैच करने के लिए, और होल्डिंग देयर प्रे फर्मली वाइल्ड फ्लाइंग, अपने शिकार को पंजे में जब उड़ते हैं तो पंजे से पकड़ते हैं, है ना, अपने उनके पंजे जो है उनके लिए बहुत यूजफुल होते हैं किसी भी शिकार को कैच करने के लिए, या किसी पर हमला करने के लिए, किसी दुश्मन पर हमला करने के लिए. देखो उनके क्लॉज जो आपको दिख रहे हैं बर्ड्स के, देखो उनको, इनके नेल्स देखो, किसी को भी है ना बॉडी पर स्क्रैच कर सकते हैं, उसको चोट खरोच सकते हैं ना, चोट पहुँचा सकते हैं. तो इनके जो फीट और क्लॉज होते हैं बर्ड्स के, ये उनको अपने एनिमी से भी प्रोटेक्ट करते हैं मूविंग अबाउट, आगे बढ़ने के लिए, जैसे किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है. टाइप्स ऑफ क्लॉज, देखो अब बर्ड्स का हम लोग बीक पढ़ा था तो उसमें हर बर्ड्स को डिफरेंट, अलग अलग बर्ड्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स भी होते हैं, उनके बर्ड्स भी बीक्स भी उनके खाने के हिसाब से होते हैं, जैसे जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसके हिसाब से उनके पास बीक्स होते हैं. जैसे कि वुड पिकर के पास बीक कैसा था, चीजल्स शेप बीक था, जो ट्री में होल करके अपने फूड को निकाल लेता था. डक और स्वान का बीक कैसा होता है, वो अपने बीक से अपने फूड्स को मडी वाटर में भी ढूंढ लेता है ना. उसी तरह से सबके सारे बर्ड्स की क्लॉज भी अलग अलग टाइप की होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लैश ईटिंग बर्ड. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स ईगल, हॉक एंड ओल हैव शार्प एंड कर्व क्लॉज, दे आर कॉल्ड टैलेंस. ईगल्स का देखो यहाँ पे फिगर 8.8 में फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के सिर्फ क्लॉज को दिखाया गया, पंजे को दिखाया गया है ना, एक ईगल का क्लॉज क्लॉ है, एक हॉक का है, एक ऑल का है. देखो इन तीनों बर्ड्स के क्लॉज जो है ऑलमोस्ट सेम है. इनको टैलेंस बोलते हैं. ये क्या करते हैं, दे ग्रैब देयर प्रे लाइक रैट्स एंड स्नेक्स विद देयर टैलेंस. अपने टैलेंस से, अपने पैर से, क्लॉज से अपने शिकार को झपट लेते हैं, एंड लाइक स्नेक एंड रैट्स, जैसे कि स्नेक और रैट्स करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है. नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स. स्विमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, डक एंड गीज हैव वेब्ड फुटअप्स. यहाँ फिगर 8.9 में आपको स्विमिंग बर्ड्स के क्लॉज दिख रहे हैं. यहाँ पर दो बर्ड के क्लॉज को शो किया गया है, गीज और डक. तो दोनों का ऑलमोस्ट जो क्लॉ है सेम ही है. फिंगर के बीच में स्किन है और स्किन से ये जो फिंगर है सारे जुटे हुए हैं. जबकि आप फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज को देख सकते हो, उनके क्लॉज में ऐसा कुछ नहीं है. देखो तो यहाँ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज हैं, ठीक है, और ये है आपको स्विमिंग बर्ड के क्लॉज. दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के फिंगर्स के बीच में क्या है, स्किन दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है. यही होता है स्विमिंग बर्ड्स जो है, जो ये इनके जो पैडलर टाइप के जो फीट होते हैं, जो पानी में आराम से रह सकते, फ्लोट कर सकते हैं, तो स्विमिंग बर्ड्स के क्लॉज की यही खासियत होती है. द थ्री फ्रंट टूल्स हैव अ स्किन लाइक वेब बिटवीन देम, है ना. तीन टूल्स होते हैं और उसके वो जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वेब्ड होते हैं, किससे, स्किन से होते हैं. हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, देयर इज वन टू एट द बैक, और एक छोटा सा टू आपको बैक में क्लॉक के टॉप और गीज के क्लॉक के बैक में भी आपको दिखता है, दिख रहा है ना. दिस इज दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन. द वेब्ड फीट हेल्प वाटर बर्ड्स टू स्विम, और यही वेब्ड फीट की हेल्प से ये बर्ड्स जो है वाटर में ईजली स्विम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा पर्चिंग बर्ड.
A pigeon, mynna, crow and a sparrow use their feet to hold onto tree branch and wires. वायर पर, ताक पर, ट्री के ब्रांच पर, उसको होल्ड करने के लिए पर्चिंग बर्ड जो रहते हैं ना, कहीं भी इजली क्लाइंब कर सकते हैं अपनी टूल्स के हेल्प से. कोई भी पतले वॉल पर या वायर पर खड़े इजली स्टैंड हो सकते हैं. उनको, उनके क्लॉज जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं. आप यहाँ पर देख रहे हो क्रो, मैनास, स्पैरो, इनकी क्लॉज कैसे हैं, स्लाइटली बेंड है और लगता है कि किसी चीज़ को जो होल्ड करने के लिए, पकड़ करके उठाने के लिए रहता है ना, उसी तरह का कुछ शेप दिख रहा है ना. ये इसको पर्चिंग, ऐसे फीड्स जिन बर्ड्स को होते हैं उनको पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं. दे यूज थ्री फ्रंट टूल्स एज वी यूज आवर फिंगर्स. हम लोग जैसे अपने फिंगर्स यूज करते हैं ना कि जिस चीज़ को होल्ड करने के लिए, अब अपने फाइव फिंगर्स को इस पोर्शन में करके देखो तो आप को लगेगा कि हाँ, कोई चीज़ इस पोर्शन में कर लेंगे तो लगता है कि कोई चीज़ हम लोग उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, उसी तरह से इन बर्ड्स की क्लास होती है किसी भी चीज़ को इजीली होल्ड करने के लिए. और एंड द बैक टूल्स एज वी यूज अवर थम, जैसे हम लोग अपना थम यूज करते हैं ना इस थम के लिए, तो पर्चिंग बर्ड्स जो है वो अपना बैक वाला जो टूल्स है वो यूज करते हैं. तो इनका क्लॉज जो है एक तरह से हम लोग का जैसे हैंड वर्क करता है ना, इनका क्लॉज वर्क करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स कैसे होते हैं, देखो क्लाइंबिंग बर्ड्स का आपको पिकला यहाँ पर दिख रहा है, पैरोट का और वुडपेकर का. तो इनको क्लाइंबिंग बर्ड्स क्यों बोलते हैं, देखो टू पैरोट एंड वुडपेकर हैव टू टूल्स पॉइंटिंग अपवर्ड एंड टू टूल्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. दो जो है वो ऊपर की ओर होते हैं, पीछे की ओर, आगे की ओर होते हैं, और दो पीछे की ओर होते हैं इनके टूल्स. इनको उंगली जो है पैर की, दो आगे और दो पीछे होते हैं. और क्या करते हैं, दीज हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड होल्ड ऑन टू ट्री. और ये क्या करते हैं, ये क्लॉ बर्ड्स को कहीं भी ट्री पर या ऊंचाई पर चढ़ने में हेल्प करते हैं. आप लोगों ने नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा क्लॉ होता है स्टूडेंट्स, वेडिंग बर्ड्स के बाद हमारा स्क्रैचिंग बर्ड्स है. स्क्रैचिंग बर्ड्स के क्लॉज किसमें होते हैं, हेन. यू हैव नोटिस्ड अबाउट द हेन्स लेग, इनके लेग्स कैसे होते हैं, अगर आप इनको अपने हैंड पर रखोगे तो ऑलमोस्ट लगेगा आपको कि स्किन जो है वो स्क्रैच हो रहा है, छिला रहा है ना. तो हेन्स के ऐसे लेग क्यों होते हैं, लेट्स सी. हेन्स आर सीड एंड इंसेक्ट ईटर्स. हेन्स क्या खाती है, सीड, बीज और अनाज खाती है, सीड दाने खाती है और कीड़े मकोड़े खाती है. दे स्क्रैच मैट टू फाइंड और ब्यूरिड इंसेक्ट एंड सीड. ये मट को, कीचड़ को या फिर मिट्टी को या ग्राउंड को स्क्रैच करती है, खुरती है अपने पंजे से, अपने क्लॉज से, उसमें से क्या खोजने के लिए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और सीड्स खोजने के लिए उसको ग्राउंड को, जमीन को खुरेती है. दे हैव थ्री टूज इन फ्रंट एंड अ शॉर्ट हिंड टूज विथ शार्प एंड हॉट क्लॉज. उनके कैसे होते हैं, थ्री टूज जो होते हैं वो सामने की ओर होते हैं एंड अ शॉर्ट हिंड टूज विथ शार्प है, और एक छोटा सा छिपा हुआ टू होता है वो शार्प होता है, बहुत ही तेज होता है और हार्ड होता है, मजबूत होता है, कड़ा होता है, जो जमीन को खुरचने में, कुरुदने में हेल्प करता है. ठीक है, अब रनिंग बर्ड्स है. रनिंग बर्ड्स किसको कहते हैं, ऑस्ट्रिच के. ऑस्ट्रिच को, ऑस्ट्रिच के क्लॉज कैसे होते हैं, रनिंग होते हैं, मतलब दौड़ने वाले जैसे लेग्स होते हैं ना, हमारे लेग्स है ना फ्रंट की ओर होते हैं, उसी तरह से इनके भी टू टूज होते हैं जो फ्रंट की ओर होते हैं. और इट हैज वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग. बहुत ही मजबूत और लंबे पैर होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं दौड़ने में. एंड ऑस्ट्रिच हैज ओनली टू टूज. ऑस्ट्रिच के पास पैर कैसा होता है, सिर्फ दो टूज होते हैं, टू टूज होता है. और ये टूज कैसे होते हैं, विच आर हेवी एंड क्यूशन लाइक, और गद्देदार होते हैं और हेवी होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं. इट डज नॉट, इट्स टूज डू नॉट सिंक इन टू द सैंड बट वेन इट रन्स फास्ट. इनके जो पैर होते हैं, टूज होते हैं, वो बालू में धंसते नहीं है, डूबते नहीं है जब ये दौड़ती है. जैसे कि हम लोग अपने लेग्स को अगर सैंड में रखेंगे तो हमारा पैर जो है वो बालू के अंदर धंस जाएगा, बट ऑस्ट्रिच के साथ ऐसा नहीं होता है ना. जैसे कैमल के पैर कैसे होते हैं, पैडी होते हैं, गद्देदार होते हैं ना, आसानी से रेत में, डेजर्ट में दौड़ सकते हैं.
उसी तरह से ऑस्ट्रिच के क्लॉज भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोगों ने बर्ड्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स देखे, क्लॉज ऑफ बर्ड्स देखे, अब हम लोग फीडर्स ऑफ बर्ड्स देखेंगे। फीडर्स कैसे होते हैं बर्ड्स के, बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स आर कवर्ड विथ मेनी फीडर्स। एक बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो पर और पंखों से पूरा का पूरा ढका होता है, बहुत सारे पंखों से ढका होता है। दे कीप बर्ड्स बॉडी वार्म, वो क्या करते हैं, वे सब बर्ड्स की बॉडी को गर्म रखते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फीडर्स, तीन तरह के फीडर्स होते हैं, फ्लाइट फीडर्स, एक बॉडी फीडर्स और एक डॉन फीडर्स। फ्लाइट फीडर्स क्या होता है, फ्लाइट फीडर्स दीज आर लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़े होते हैं एंड फाउंड इन विंग्स एंड टेल्स। और बर्ड्स के बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, उनके परों पर और उनके पूंछ पर, टेल पर पाए जाते हैं, ठीक है। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और फ्लाइट फीडर्स की हेल्प से ही बर्ड्स क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं एंड चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग, और उड़ने के समय अपनी दिशा को बदल भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट फीडर्स, ठीक है। बॉडी फीडर्स क्या होता है, बॉडी फीडर्स जो होता है, दीज फीडर कवर द कम्प्लीटली बॉडी, बॉडी पर जो थोड़ा सा मीडियम साइज के जो फीडर्स होते हैं, जो पूरे बर्ड्स की बॉडी को कवर किए रहते हैं, उसको हम लोग बॉडी फीडर बोलते हैं। और इसी फीडर से ही बर्ड्स की बॉडी को अच्छा कर्व शेप मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाउन फीडर्स। डाउन फीडर्स क्या होते हैं, दीज फीडर्स आर फ्लफी एंड कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, ये फीडर्स जो बहुत ही फ्लफी होते हैं, मुलायम होते हैं और बर्ड्स की बॉडी को गर्म रखते हैं। दीज आर क्लोज टू द स्किन, और ये स्किन के, बर्ड्स की बॉडी की स्किन के बहुत ही क्लोज होते हैं, मतलब बर्ड्स की स्किन पर, बॉडी में जो स्किन होता है उस पर जो छोटे छोटे जो फीडर्स होते हैं उसको ही डॉन फीडर्स बोलते हैं, ठीक है। टाइम टू रिकॉल में अब आ गया है आपका, आप लोगों ने जो चैप्टर अभी सुना बर्ड्स की क्लॉज के बारे में और फीडर्स के बारे में, उसी से रिलेटेड यहाँ पर 6 फिल इन द ब्लैंक्स है, बट आई विल नॉट टेल द आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू मेक इट बाय योरसेल्फ। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की नेस्टिंग हैबिट्स, किस तरह का नेस्ट बनाती है, कौन सी बर्ड्स नेस्ट नहीं बनाती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन चिल्ड्रेन यू हैव टू मेक दिस फिल इन द ब्लैंक्स इन योर कॉपी इन क्लास वर्क एंड सेंड इट टू मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।